हेलो नमस्ते ओम नमः शिवाय आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा स्वस्थ होगा और मस्त होगा तो आज की रीडिंग है कि आने वाला वीक आपके लिए कैसे जाने वाला है फॉर नंबर सेवन पीपल वैन आई से नंबर सेवन दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी नंबर आई एम टोकिंग अबाउट योर डेस्टनी नंबर एज वेल एज योर पर्सनल ईयर नंबर अगर आपका डेट है नंबर सेवन अगर आपका डेट है सिक्सटीन या फिर आपका डेट है ट्वेंटी फाइव तो आपका पर्सनैलिटी नंबर बनता है नंबर सेवन अगर आप पूरे डेट ऑफ बर्थ को विद योर मंथ विद योर ईयर अगर आप टोटल करते हैं और वो जब आप प्रोड्यूस करते हैं जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं और वो बनता है नंबर सेवन तो आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो नंबर सेवन है और अगर आप अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है आप देख लीजिए अपना डेट लेंगे आप अपना मंथ लेंगे और जो करेंट ईयर है दैट इज़ ट्वेंटी उसे लेंगे उसे पूरा प्लस करेंगे सेम फॉर्मूला है सबको प्लस करना है जो नंबर आएगा उसको रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा दैट इज़ योर पर्सनली अर नंबर वाई आई एम टेलिंग दिस इन ऑल द वीडियोज दैट आई एम मेकिंग फॉर दिस वीक इज़ टू टेल यू कि एज अमरलजिस्ट दिस इज़ माई बिलीव सिस्टम दैट यू नीड टू चेक ईच एंड एवरी थिंग यो पर्सनैलिटी योर डेस्टनी एज वेल एज पर्सनली योर नंबर ये तीनों जब आप देख लेते हैं तभी आप जान सकते हैं कि ये साल आपका कैसे जाने वाला है आपके लिए ये वीक कैसे जाने वाला है इसलिए मैं आप सबको ये इन डिटेल बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू एंड सो दैट कि आप आगे जो जभी भी आप कोई भी, भी ऐसी रीडिंग देखें न्यूमरोलॉजी की या फिर टैरो की तो आप ज़रूर देखें कि आपका क्या है पर्सनालिटी डेस्टिनी एज़ वेल एज़ आपका पर्सनल ईयर नंबर और उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग लें तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ले लेते हैं परमात्मा का नाम ओम नमो शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय और देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड एनर्जी कार्ड्स पहले सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे देखेंगे कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा जाएगा मिड ऑफ द वीक कैसा जाएगा और टूवर्स द एंड ऑफ द वीक कैसा जाएगा फिर हम डिफरेंट और कार्ड से देखेंगे और वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है ऑफ दिस वीक जो आपको इस वीक में कोई क्वेश्चन है अगर आपको तो वो आप पूछ सकते हैं चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो कोर्स या फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो आप पूछ सकते हैं देखेंगे कि परमात्मा आपको क्या आंसर देना चाहते हैं ओके तो ये भी हम ज़रूर करने वाले हैं इस रीडिंग में तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमने परमात्मा का नाम ले लिया है एंड देख लेते हैं कि आपके लिए वीक कैसे जाने वाला है फॉर नंबर सेवन पीपल स्टार्टिंग ऑफ द वीक मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ओके चले हम एनर्जी कार्ड भी देख लेते हैं आपके लिए क्या होने वाला है आपका एनर्जी दिस वीक फॉर नंबर सेवन पीपल स्टार्टिंग ऑफ द वीक मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्स द एंड ऑफ द वीक देख लेते हैं सबसे पहला कार्ड क्या रहा है आपके लिए नंबर सेवन तो आपके लिए आ रहा है वाइस काउंसलर का तो दैट्स वेरी नाइस तो, वे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई ऐसा वर्कशॉप ज्वाइन करने वाले हैं जहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ऊपर उठा सकें तो कोई ना कोई एक वर्कशॉप हो सकता है मेडिटेशन से रिलेटेड वर्कशॉप हो सकता है हो सकता है कोई आप कोर्स ले रहे हैं रेकी का कोर्स ले सकते हैं या फिर एनीथिंग दैट इज़ एक कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं कोई वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं यही मुझे नज़र आ रहा है सो दैट यू कैन एक्चुअली यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी दिस इज़ वाट आई कैन सी हो सकता है ऐसा कोई ग्रुप जहाँ पे यू uh, नो you know, सारे लोग मिल के डिस्कस करते हों समथिंग रिलेटेड टू स्परिचुअल थिंग्स वो आप देख सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वैसे ही आप बुक पढ़ सकते हैं दिस इज़ वाट आई कैन सी एंड यहाँ मुझे कहीं ना कहीं साथ में ये भी लग रहा है कि आप खुद इस लाइन में ऑलरेडी हैं आप हो सकता है कोई वीडियो बनाएं या फिर आप लोगों के साथ शेयर करें कि व्हाट एक्जैक्टली इज़ स्पिरिचुअलिटी ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप में से कई लोग जो हैं उनको मौका मिल सकता है कि छोटे से ग्रुप को या बड़े ग्रुप को आप जरूर बताने वाले हैं ओके तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि यू विल बी अ गाइड टू समवन यू विल बी काउंसलिंग सम वन विल बी टेलिंग अबाउट सम स्पिरिचुअल नॉलेज यही मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपका कनेक्शन होता भी नज़र आ रहा है नंबर सेवन वाओ दी हाई प्रिस्टस वॉट एल्स दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट और आपके सामने दी हाई प्रिस्टस का आ गया है कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं आप बैठ के बुक पढ़ रहे हैं ओके होली बुक पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं आप काउंसलिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलने वाले हैं सो डेफिनेटली और गुना मेडिटेट वेल डेफिनेटली और गुना कनेक्ट वेल दिस वीक नंबर सेवन दिस इज़ वॉट आई कैन सीव फ्राम दिस कार्ड दी हाई प्रिस्टिस जो है ये कार्ड बहुत ही ब्यूटिफुल है वन ऑफ यू नो माई फेवरेट कार्ड ऑफ द इंटायर डेक इज द हाई प्रिस्टस एंड यहाँ पे समवेयर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप लोगों से कोई ना कोई चीज़ जो आपकी सीक्रेट है वो आप रखेंगे और लोगों को नहीं बताएंगे वैसे भी ये बहुत अच्छा है नंबर सेवन के लिए तो एटलीस्ट ये बहुत अच्छा है अपनी पूरी जिंदगी आप खोल के रख देते हैं वो भी आपके लिए ठीक नहीं है ऑल दो किसी किसी के साथ खोलते हैं लेकिन और कभी कभी ही खोलते हैं लेकिन आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली लोगों को बता देते हैं तो इस वीक आप अपनी एनर्जी को संभाल के रखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखने वाली है वो सब चीज़ें आप अपने तक ही लिमिट रखेंगे ये भी मुझे नजर आ रहा है या फिर कोई आपके साथ कोई भी ऐसी चीटिंग कर रहा था या आपके साथ कोई चीज़ ऐसे छुपा के रख रहा था तो वह आपके सामने रिवील हो सकती है ये भी मुझे नज़र आ रहा है तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है एंड आप एक कम्युनिटी एक ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हैं आपको मौके मिल रहे हैं जहाँ पे आप जाके यू नो you know, लोगों को सिखाने वाले हैं देर इज़ लॉड ऑफ़ टीचिंग दैट यू विल बी डूइंग एंड लर्निंग एज वेल दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्राम दीज टू कार्ड्स वंडरफुल रीडिंग हैज़ कम ओ सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड आ गया है ओके okay? अब जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं जो भी आपने सीड्स को सो किए है ना इट्स टाइम टू गेट द फ्लावर्स आउट ऑफ इट वहाँ से फ्रूट्स मिलने वाला है नंबर सेवन आपको तो आप ये जो भी करने वाले हैं ना इसका फ्रूटफुल एंडिंग होने वाला है एंड यहाँ देख सकते हैं आप नंबर सेवन ही लिखा हुआ है इस कार्ड में और राइट भैया तो येस दिस रीडिंग इज़ फॉर यू नंबर सेवन पीपल एंड दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड अ वेरी ब्यूटिफुल वीक फॉर यू वेर इन आप स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं आप मेडिटेशन से डिवाइन कनेक्शन से स्परिचुअल ग्रोथ के अंदर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपको अगर आप किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं कहीं काम करते हैं ऐसे या आप एक टीचर हैं आप एक काउंसलर हैं तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है बिकॉज यू आर गना प्ले दैट रोल ऑनली दिस वीक और जो आप ये करेंगे इसका बहुत फ्रूटफुल यू नो रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी डू टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड बी कनेक्टेड टू दी मद गाया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप यू uh, नो you know, कुछ ना कुछ प्लांटिंग uh, प्लान्टशन uh, कर सकते हैं आप uh, जाके प्लांट्स uh, का ध्यान रख सकते हैं या फिर नए पौधे लगा सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए भी और आपकी यू नो हीलिंग भी आपको बहुत महसूस होगा कलर देखिए ग्रीन कलर तो आपके हार्ट चक्रा जरूर हील होगी देख लेते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ़ द वीक में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है ओके फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल तो आर्क एंजल माइकल इज़ वेरी वेरी पावरफुल और ये रूट चक्रा की बात करते हैं आर्क एंजल माइकल तो फर्स्ट चक्रा आपका जो होता है वो रूट चक्रा होता है तो यहाँ पे नंबर uh, एट भी आ रहा है नंबर एट मतलब ज़रूर आपकी फाइनेंशियली आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ओके ऑल दो यू विल बी वेरी स्परिचुअल बट यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि जो आप सर्विसज़ दे रहे हैं ना उसके आप ऑलरेडी इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर ले रहे हैं दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्राम हेयर एंड दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज नंबर सेवन पीपल नॉर्मली क्या करते हैं ना वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि यू विल बी वर्किंग ऑन इट एंड आपको फाइनेंशियल गेन भी जरूर होने वाला है यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ येस इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू नंबर सेवन बिकॉज यहाँ पे आप देखिए फाइव जीरो फिफ्टी आ रहा है नंबर फाइव आ रहा है तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में और सारे ट्रांसफॉर्मेशन जब आपके पास आते हैं किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता है उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो एंजल ऑफ़ स्ट्रेंथ हैज़ यू नो स्टेपड इन द समवेयर आपके लिए यू नो मदर फिगर जैसे कि माँ काली माँ दुर्गा या फिर ग्रीन तारा माँ इन सब की प्रेयर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे और एंजल ऑफ़ स्ट्रेंथ को भी आप इन्वोक कर सकते हैं उनके साथ भी आप वर्क कर सकते हैं आर्क एंजल माइकल भी आपके साथ है तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाला है इन द यू नो मिडल ऑफ द वीक दिस इज़ वॉट आई कैन सी दी हाई प्रिस्टिस भी है एंजल ऑफ़ स्ट्रेंथ भी है बहुत ही ज़्यादा आप पावर में रहने वाले हैं नंबर सेवन टू द मिड ऑफ द वीक दिस इज़ वॉट आई कैन सी वाओ डो टू वैल्यू दिस इज़ वॉट आई वॉज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर जो माइकल uh, आए थे तो मैंने यही बताया था आप मनी देख सकते हैं कितना सारा है एंड यहाँ पर नंबर एट आना यहाँ पर नंबर फोर आना थ्री वन थर्ड वन है और ये नंबर फोर बनता है तो ये भी बताता है कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है इस वीक ओके सो बहुत अच्छा जाने वाला है जो आप मेहनत करेंगे ना उसका फल आपको हंड्रेड परसेंट मिलने वाला है ये कन्फर्मेशन आता है जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो इस से हम कंफर्म करते हैं जो हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है या नहीं सो दिस एनर्जी जो आपकी एनर्जी है वो बिल्कुल सिंक में रहेगी कई बार क्या होता है कार्ड कुछ और आ रहा है आपकी एनर्जी कुछ और होती है तो गाइडेंस देने की जरूरत होती है यहाँ मुझे गाइडेंस की देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल सेम एनर्जी में रहने वाले हैं जैसा आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा है आप बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे और यहाँ पे आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड आर्थ एंजल माइकल हु इज लाइक गॉड इज़ देयर विद यू सो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड मनी भी है पीस भी है स्पिरिचुअल लाइफ भी है सब कुछ ही तो आपको मिल रहा है इस वीक दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग दैट हैज़ कम आउट ऑफ ऑल द रीडिंग दैट आई हैव डन आई बिलीव दिस इज़ वेरी पावरफुल वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग दैट आई हैव सीन आउट ऑफ ऑल द सिक्स एंड दिस इज माई थ नंबरेंट एक्सीलेंट रीडिंग देख लेते हैं साई क्या बताना चाहते हैं नंबर सेवन ओके ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ओके okay, तो आपके लिए क्या है रहा है डिटैचमेंट तो डिटैचमेंट अगर आप रखेंगे ना तभी आप इस पावरफुल पोजीशन में पहुंच पाएंगे किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ से किसी सामान से आपको कभी भी किसी भी रिजल्ट से आपको हमेशा डिटैच होकर चलना होता है और अटैचमेंट तो सिर्फ जो डिटैचमेंट होता है ना वो सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है वो आपको क्या करना पड़ता है तब जब आप डिटैच हो जाते हैं सबसे सबसे हर किसी से डिटैच हो जाते हैं हर सामान से हर आउटकम से ओके okay, और एकदम निस्वार्थ हो जाते हैं ज़ीरो शून्य के अवस्था में जब आप जाते हैं तो किसके साथ अटैचमेंट होता है परमात्मा के साथ तो ये कार्ड यही बताता है ये वर्ड का ये मतलब है इतना डीप मीनिंग है इस वर्ड का दैट इज़ डिटैचमेंट का ओके सो इस पर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लेकिन इस वर्ड का मतलब मुझे आज बताने की ज़रूरत है ऐसा मुझे महसूस हुआ तो मैंने आपको बताया जब आप हर किसी से हर चीज़ से हर रिजल्ट से हर आउटकम से आप डिटैच हो जाएंगे तो आप जाके हाई प्रिस्टस बन जाएंगे जहाँ पे आपको किसी के कि, कुछ भी बोलने से किसी के लाइफ में कितने भी आ, अच्छा हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा हो लेकिन आपको उसमें से अटैचमेंट नहीं रह जाएगी सब चीज़ों से आप डिटैच हो जाएंगे और आप सिर्फ अटैचमेंट करेंगे उस परम पिता परमेश्वर के साथ होके okay? तो परमात्मा के साथ तो ये ये मतलब है इस कार्ड का ओके देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करना है इस वीक नंबर सेवन नंबर सेवन ओके ये कार्ड आ रहा है <coughs> सरेंडर टू तो द मैजिक ऑफ हु यू आर आप एक मैजिकल पर्सन है वो बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है ओके सो पूरे कार्ड्स भी यही बता रहे हैं मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि आप एक मैजिकल पर्सन है अपने आप पे ट्रस्ट करिए जो आप नहीं कर पाते हैं यू आर मैजिकल ओके आपको वो सारे डाउनलोड्स आते हैं आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है कई बार क्या होता है ना हमारे लाइफ में इतना कुछ अलग सा डिफरेंट सा होने लगता है कि हम स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं मनी भी आ रहा है लोगों से इज्जत भी मिल रही है प्यार भी मिल रहा है जैसा हम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा ही होता जा रहा है तो हम कई बार ना उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं तो नंबर सेवन दिस इज़ योर टाइम दिस वीक इज़ योर्स ओके सो जस्ट सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर यू आर मैजिकल एंड uh, मैंने नंबर सेवन का जो वीडियो uh, डाला था उस नंबर सेवन की वीडियो में आप देखिए फिफ्टी के व्यूज़ हो चुके हैं बिकॉज़ वहाँ पे मैंने नंबर सेवन के बारे में जो बताया है वो यही बताया है दैट यू आर मैजिक ओके एंड यू हैव टू एक्चुअली सरेंडर टू द मैजिक दैट हु यू आर और राइट चलिए आगे देख लेते हैं कि हाउ डी यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ नंबर सेवन दिस वीक कर लेते हैं शफल और देख लेते हैं वॉट डू यू नीड टू डू टू नर्चर योर सेल्फ़ दिस वीक ओके ये कार्ड है आपके लिए आपके लिए है अबेंडेंस प्लानिंग दैट्स ऑसम awesome. इतने पैसे आएंगे कि भई उसको प्लान करके चलना पड़ेगा ओके okay? कि कहाँ पे क्या खर्चा करना है कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है ये सारी चीज़ें चीज़ों की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी इस वीक ओके okay? जब आप पूरा प्लान करके चलेंगे ना तो आपका ये वीक बहुत अच्छा रहेगा और आगे के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि नंबर सेवन की क्या आदत है मनी आता है ना तो हाँ मनी आता है तो हैप्पी तो होते हैं लेकिन उसको कभी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं ओके तो प्लान करके चले कि भई इसको इतना देना है यहाँ इतना इन्वेस्ट करना करना है यहां इतना करना है इतना खर्चा थोड़े सम सामान भी अपने लिए खरीदना है ओके तो इस तरह की आप प्लानिंग जरूर करके चलें नंबर सेवन दिस वीक देख लेते हैं इसी नोट में कि आपकी फाइनेंशियली रीडिंग क्या आ रही है ऑल दो डोर टू वैल्यू आ चुका है फर्स्ट आर आर्किचल माइकिल भी आ गए हैं एंड फर्स्ट चक्रा आपको यह भी बताता है कि आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होने वाले हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं लोगों के साथ ओके दिस इज वॉट आई कैन सी चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है वो गाइडेंस साइंस ओके okay? तो यहाँ पे है कि आपको बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं एंड आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं वैसे ही आप इतने कनेक्टेड रहेंगे कि आपको अबेंडेंस कैसे मिल सकता है मनी गेन कैसे हो सकता है क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आनी चाहिए सो so दैट कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉग हों ये सारे आपको साइंस ज़रूर मिलेंगे प्लीज़ मेडिटेट बार बार आपको यही कहा जा रहा है तो आपके लिए फाइनेंशियल अबेंडेंस जो बहुत लंबे टाइम से आप मांग रहे हैं स्टेबिलिटी मांग रहे हैं अपने लाइफ में वो आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा ओके सो जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द साइंस चाहे वो बटरफ्लाइज़ के रूप में आ रहे हों चाहे वो कलर्स के रूप में आ रहे हो चाहे वो मैसेज़ के रूप में आ रहे हो फैदर्स के रूप में आ रहे हों हो, तो आपको उस साइंस को देखना है और चेक करना है वॉट एग्जैक्टली दैट साइंस आर टेलिंग यू और राइट देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है नंबर सेवन दिस वीक क्या बता रहे हैं आर्क एंजल रफाइल फ्रेश एयर तो आपको फ्रेश एयर में जाना है जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही थी वैसे आपको यू नो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करना है गार्डनिंग करिए बाहर आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए तो आपके लिए बहुत हीलिंग इफेक्ट लेके आएगा आई कैन सी अ डॉग सो यू कैन टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डॉग है कैट है तो यू कैन टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स यू कैन टेक केयर ऑफ़ प्लांट्स यू कैन यू नो गेट कनेक्टेड टू मा दाया बाई टेकिंग केयर ऑफ़ प्लांट्स ओके तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्रेश एयर आपके लिए इस वीक बहुत जरूरी है ओके okay? तो ये आपको मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर माइंड बॉडी एंड सोल सो दैट कि आप इस पर्टिकुलर एनर्जी में रहें देख लेते हैं अभी आपकी करेंट एनर्जी क्या है और आपको क्या शिफ्ट करना है विद दिस ब्यूटिफुल लवली कार्ड ओके देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नंबर सेवन ओके okay, आपकी करंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इफ़ आई ट्राई माय बेस्ट एंड सक्सीड आई मे लूज़ द लव ऑफ़ पीपल क्लोज़ टू मी ये हमेशा रहता है नंबर सेवन के साथ कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊँगा या मैं आगे बढ़ जाऊँगी तो मेरे अपने जो है ना वो मेरे से पीछे छूट जाएंगे उनको मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी ओके okay? तो ये हमेशा एक यू नो क्वेश्चन रहता है और ये फीलिंग रहती है नंबर सेवन वालों के लिए सो यू डिन नॉट हैव टू वरी अबाउट इट ना वो, ट्रू, ट्रू वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं कि आप स्परिचुअली ग्रो मत करो आप वर्कशॉप में मत जाओ आप इसको मत अटेंड करो आप इतने टाइम तक मेडिटेशन मत करो यू नो you know, आप इस तरह से हवन क्यों कर रहे हो पूजा क्यों कर रहे हो इस तरह से आपको रोक टोक नहीं होगी अगर वो पार्टनरशिप जो है आपका जो ट्रू लव है आपका वो आपको कभी भी इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करेंगे ओके सो यस एक्सप्रेशन ऑफ योर क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ जब आप ये एक्सप्रेस करने वाले हैं तो आपको हमेशा ये सोचना है इस पूरे वीक आपको ये बात को समझना है कि जो आपको रोक रहा है ना दैट इज़ नॉट अ ट्रू लव दैट इज़ नॉट गुड पार्टनरशिप ओके सो जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ बी वेरी क्रिएटिव एंड जस्ट मूव ए हेड नंबर सेवन विदाउट एनी फेयर आप आगे बढ़िए और राइट देख लेते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाली हैं आपके लाइफ में दिस वीक ओके नंबर सेवन पीपल सो वॉट आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दट इज कमिंग दिस कार्ड इज कमिंग तो दिस इज़ ट्विन फ्लावर्स सो डबल हैप्पीनेस आने वाली है डबल प्रॉफिट आने वाला है बोनस और इंक्रीमेंट आने वाला है स्टेबिलिटी इन फैमिली आने वाला है और फर्टिलिटी ओके तो इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है आपके लिए राइट नंबर सेवन तो कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग, फर्टिलिटी ओनली प्रेगनेंसी नहीं बताती है ऑल अगर आप प्रेगनेंट होना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो येस yes, फर्टिलिटी आपके लिए वो मीनिंग होगा स्टेबिलिटी इन फैमिली आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपको यहाँ हाँ पे कहीं ना कहीं टेंशन है तो वो मुझे नज़र आ रहा है ओके बोनस मिल सकता है आपको इंक्रीमेंट हो सकती है डबल हैप्पीनेस और डबल प्रॉफिट है वो तो बार बार आपको मनी के के कार्ड्स भी यही बता रहे हैं और राइट एंड माइकल भी यही बता रहे हैं और आपके सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि यस फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको इस वीक ज़रूर मिलने वाला है देख लेते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट आपको क्या बता रहे हैं ये है हमारा लास्ट डेक यहाँ से हम लेने वाले हैं आपके लिए वन कार्ड क्या आ रहा है नंबर सेवन के लिए आपके लिए है प्रेयर एंड कंटेम्प्रेशन तो कनेक्शन विद हेवन यस यही हम बता रहे थे बार बार यही हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे टाइम के यस यू आर गुना कनेक्ट विद हेवन और यही आपको बता दिया गया है चैरिटी का कार्ड है ओके आस्क एंड यू शिल रिसीव यू शैल रिसीव आपको बस मांगना है और आप उसे रिसीव करने के लिए भी रेडी हो जाइए आप इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे ओके okay, तो तभी तो आपके लिए आ रहा है ट्विन फ्लावर्स और राइट्स सच अ वंडरफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर नंबर सेवन पीपल आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ वेरी पावरफुल वेरी डिवाइनली वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग दैट इज़ कम टुडे तो चलिए आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच के रखिए जो आप पूछना चाहते हैं इस वीक के लिए मैं कर लेती हूँ यहाँ पर तैयारी और हम देखेंगे कि आपकी उस क्वेश्चन का आंसर परमात्मा क्या देना चाहते हैं आई एम श्योर आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा तो चलिए हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आपके लिए आ रहा है नंबर नाइन नंबर नाइन आपके लिए बोलते हैं कि बेस्ट इज कमिंग सो द आंसर फ्रॉम द डिवाइन इज द बेस्ट इज़ कमिंग टू यू दैट वाज ऑल देयर इन द रीडिंग एज वेल तो आप ज़रूर लिखें कॉमेंट सेक्शन में कि येस आई ट्रस्ट यूनिवर्स आई ट्रस्ट ऑल माई टे आई ट्रस्ट एंजल्स ओके आई ट्रस्ट स्पिरिट गाइड्स ओके आप जरूर ज़रूर लिखें एंड यूनिवर्स से आपकी कनेक्शन होने वाली है ये भी आपको पता ही है आप ज़रूर लिखें बेस्ट इज़ कमिंग टू मी बेस्ट इज कमिंग टू मी ओके इस तरह से आप मैनिफेस्ट करें इस वीक एंड यू विल सी द मेराकल इज़ ग हैप इन दिस वीक फॉर यू नंबर सेवन आई एम रियली रेरी वेरी हैप्पी आई होप आप भी रेजुनेट कर पाए होंगे और आपको भी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर टुडे ओम नमः शिवाय।